हेलो एवरीवन तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांच के ऊपर जो कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ई ई के नाम से फेमस है ठीक है इस ब्रांच के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इसी ही हमें चूज करना चाहिए एंड क्यों नहीं हमें इसी को चूज करना चाहिए ठीक है इस दोनों ही क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा कि क्या हमें सी को प्रीफर करना चाहिए या फिर सी से बेटर हमारे पास इसी ऑप्शन है ठीक है अगर हम डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो हमें कौन से ब्रांच के अंदर जाना चाहिए आई के अंदर जाना चाहिए सी के अंदर जाना चाहिए या फिर सी एस स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना चाहिए या फिर ई के अंदर जाना चाहिए तो हम इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है क्यों हम इसी को ही क्यों चूज करें ठीक है तो देखो सबसे पहला बात यह है इसी को चूज करने का ठीक है? अगर हम ईसी जैसे ब्रांच को अगर हम चूज कर सकते हैं तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं या तो हम कोर के अंदर शिफ्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं या फिर नॉन कोर के अंदर प्लेसमेंट ले सकते हैं मतलब यहाँ पर दो चांसेस होता है प्लेसमेंट का ठीक है प्लेसमेंट का जो चांस होता है वो दो चांस होता है ठीक है प्लेसमेंट के लिए हम लोग किसी के अंदर जा सकते हैं या तो इसी के अंदर चले जाएँ या फिर कोई नॉन कोर कंपनी के अंदर चले जाएं इसी का जो अपना जो कंपनी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी होता है ठीक है किससे रिलेटेड कंपनी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपनी होता है ठीक है सबसे पहला जो रीजन था वो हमारा ये था कि इस इसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपनी है दूसरा बात ये ठीक है कि इसका जो एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट ऑफ एन ईसी ब्रांच ठीक है ये ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो वो आपका मिनिमम सेवन टू टेन लाख तो आपका इसका पर एनम सैलरी होता ही होता है ठीक है सेवन टू टेन लाख पर एनम, ठीक है पर एनम इसकी सैलरी होती ही होती है ठीक है तो ये हुआ दूसरा रीजन अगर हम थर्ड रीजन की बात कर लें ठीक है थर्ड रीजन की बात कर लें तो अगर आप इसी ब्रांच को चूज किए हो ठीक है मान लो आपको आपका जो रैंक है उस रैंक पे या फिर उस रैंक पे आपको अगर सी नहीं मिल रहा है इसी ही मिल रहा है ठीक है और आगे जा के आपको एम जो है वो सी के अंदर करना है तो इस केस में आप अगर इसी ब्रांच को लिए हुए हो ठीक है तो अगर बीटेक आप इसी से किए हुए हो तो आप इजिली स्विच कर सकते हो एम के टाइम में ठीक है सी के तरफ ई चूज किए हो बीटेक के अंदर तो एम के लिए आपको सी जैसा ब्रांच के अंदर आपको इनरोलमेंट मिल सकता है ठीक है भाई तो ये था बेसिकली प्रॉपर थ्री रीजन जिसके कारण हमें इसी जैसे ब्रांच को चूज करना चाहिए आपका तीनों में से कोई भी रीजन आपके लिए परफेक्ट जा रहा है तो आप डेफिनेटली इसी ब्रांच की तरफ आप जा सकते हो ठीक है दूसरी बात लास्ट तीन साल का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है ठीक है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर उस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जैसे 2021 के अगर हम बात कर लें 2021 की अगर हम बात कर लें तो 2021 के अंदर 122 स्टूडेंट्स जो है वो इनल्ड थे ठीक है जो 2022 का बैच जो पास आउट बैच था ठीक है उसके अंदर टोटल 122 स्टूडेंट थे जिसमें से 108 स्टूडेंट्स का क्या हो गया था प्लेसमेंट लग गया था मतलब अप्रॉक्सिटी 89 परसेंट बच्चों का क्या है बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो चुके थे ठीक है ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है ठीक है आगे अगर हम बात कर लें टू जीरो ट्वेंटी टू का ठीक है तो वन ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स में ठीक है वन ट्वेंटी टू पूरे के पूरे बच्चे प्लेस्ड हो गए मतलब कि अगर हम बात कर लें प्लेसमेंट परसेंटेज का तो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट जो था वो आपका किसका था ई ई ब्रांच का था ठीक है भाई इसी ब्रांच का 100% प्लेसमेंट था 2022 पास आउट बैच के अंदर और 2023 का अगर हम लोग बात कर लें तो 2023 के अंदर 206 बच्चे थे 206 बच्चे में से 198 स्टूडेंट जो है वो प्लेसड हो चुके मतलब 96% परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हो गया तो दिस इज द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट थ्री इयर्स इन एच हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इसी ब्रांच ठीक है तो क्यों हमें इसी ब्रांच चूज करना चाहिए एच आई टी के अंदर यह चीज आपका परफेक्टली आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है अब देखो यहां पर कौन कौन सी ऐसी कंपनी जो है वो इसी ब्रांच के लिए यहां पर डिलीवर होती है ठीक है आती है वो उन चीजों पर हम बात करते हैं सबसे पहला जो है वो विप्रो हो गया इन्फोसिस हो गया कॉग्निजेंट हो गया टाटा कंसल्टेंसी हो गया आईबीएम बी हो गया उसके बाद एमेजन हो गया इरिक्शन हो गया एंड यूवाई हो गया ठीक है एलुमिनस हो गया पेटीएम हो गया लर्निंग मेट हो गया बायजूज हो गया ठीक है कृति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हो गया आर जे एस हो गया ठीक है इनो हो गया मतलब इस टाइप की जितनी कंपनी है सारा का सारा कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारी कंपनी आपको देखने के लिए आती है ठीक है ये हाईली रिक्रूटमेंट कंपनी है जो कि हर साल आती है उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा भी और भी कंपनी है जो कि आपका आ, आता रहता है ठीक है वो कम रिक आ, मतलब बच्चों को लेकर के जाता है तो उन लोगों को मैंने यहां पर दिखाया नहीं है ठीक है जैसे एक्सिस बैंक हो गया आइनोफाइड हो गया बेदांतु हो गया जस्ट डील हो गया जॉनसन कंट्रोल हो गया तो इतनी सारी कंपनी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी किसके अंदर तो इसी ब्रांच के अंदर ठीक है तो अब आपको आई थिंक पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा ब्रांड चूज करना चाहिए इसी चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक बच्चों के पास पहुंच पाए चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो बाय एवरी वन